तू चल अंदर। हाँ चल रहा हूँ। फिर वो दोनों गैरेज के अंदर जाता है। क्या हुआ बोल, कोई काम था? अब मैं फ्री हूँ। अब छोड़, अब तो बारिश हो गई, कहाँ चलेगा तू मेरे साथ? अच्छा ठीक है फिर। अच्छा ठीक है, अब मैं घर जा रहा हूँ, तू भी सो जा, काम मत कर, कल कॉलेज भी जाना है, फिर हम साथ में पढ़ाई करेंगे। और अब गैरेज बंद कर दे, एग्जाम बात करना है सब। अच्छा ठीक है, बस कल टाय की गाड़ी देख लो। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। अच्छा ठीक है, अच्छे से जाना, गुड नाइट। फिर चंकू अपने घर चला जाता है। शुका वहां से अपने घर चला जाता है एंड जमीन अंदर आती है। मैं घर आ गई। आदि तुम, इतनी रात हो गई है, कहाँ रह गए थे तुम? वो ऑफिस में सर का काम कुछ ज्यादा था इसलिए लेट हो गया, पर वो तुमसे ज्यादा काम नहीं करवा सकते। नहीं ऐसा नहीं है, कल की मीटिंग के लिए कुछ फाइल्स थे और सर ने मुझे यहाँ तक ड्रॉप भी कर दिया, डोंट वरी। अच्छा ठीक है, तो डिनर कर लो, हम सब ने तो कर लिया। नहीं वो मैंने आते वक्त सर के साथ डिनर कर लिया। अच्छा ठीक है, फिर सो जाओ जाकर। फिर जमीन बिग रूम में जाती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? क्या हुआ, चली जाऊं? नहीं आना। फिर जमीन अंदर आती है। क्या हुआ, तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है अपना? मैं नहीं तो कुछ नहीं, तुम बोलो ना, क्या कुछ काम था? काम तो कुछ नहीं था, बस मुझे तुम्हें कुछ बताना था, पर अभी आई थिंक मुझे तुम्हारी नहीं तुम्हें मेरी जरूरत है। बताओ क्या हुआ? वो चंकल वो कहना, वो मुझे बहुत इग्नोर कर रहा है, पता नहीं क्यों। मैंने जबकि लास्ट टाइम उससे कोई लड़ाई भी नहीं की थी, जब से हम कैंपिंग से आए वो बस मुझे इग्नोर कर रहा है। ओह इसलिए सर, क्योंकि जंगल बुक तुम्हें इग्नोर कर रहा है? नहीं बस इतना ही नहीं, उसने मुझे आज घमंडी काम बुरा भला बोला। उसने कहा कि मेरे पास इतना ईगो होने की वजह से वो अब मुझे पसंद नहीं करता। शायद मैं समझ गई कि प्रॉब्लम क्या है। क्या समझ गई तुम, बताओ मुझे भी। तुम मानो या ना मानो, ये बात तो सच है कि तुम्हारे पास बहुत ईगो है। और प्रॉब्लम ये है कि तुम जंगल बुक को पसंद करते हो, पर तुम्हारा ईगो तुम्हें मानने नहीं दे रहा। तुम्हारे और उसके बीच में तुम्हारा ईगो आ रहा है, तो प्लीज इसे हटाओ। तुम कुछ नहीं जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम हमेशा मुझे फालतू सजेशन देती हो। आई थिंक मुझे नहीं तुम्हें उस गरीब से प्यार हो गया है। तुम्हारी मर्जी अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो, और सच कहो तो मेरी बात भी तुम अपने ईगो की वजह से नहीं मान रही हो। यस मैं अपने ईगो का हर्ट नहीं कर सकती। और तुम बताओ क्या बोलना है तुम मुझे? वो क्या है ना कि शुगर ने मुझे प्रपोज किया और मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया। क्या मैंने सही किया? मिस्टर शुगर ने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब मुझसे क्यों पूछ रही हो कि ये सही है या गलत? अगर एक्सेप्ट करने से पहले पूछती तो बताती। नहीं मतलब वो कैसे आदमी है, तुम कोरिया की हो तो तुम्हें पता होगा ना, क्योंकि मैं जितने दिन उनके साथ रही हूँ सिर्फ लड़ाई की है मैंने। सब लोग तो ऐसा कहते हैं कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं एंड एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है, पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। मैं कहूँ तो वो गुड लुकिंग भी है और रिच भी है, इससे ज्यादा क्या चाहिए। उनकी फैमिली कोरिया की सबसे रिच फैमिली है। वह मुझे पैसे से फर्क नहीं पड़ता, वो गरीब भी होते तो चलता। वैसे तुम चाहो तो मैं मॉम डैड से बात कर सकते हो। नहीं नहीं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो भी हो मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए, कांग्रेचुलेशंस। बाप रे आज फिर से लेट हो गई, पता नहीं क्या होगा। अंदर आ जाओ, खड़े मत रहो वहां पर। वैसे हमेशा की तरह आज फिर लेट हो तुम। वो एक्चुअली रात को लेट सोई थी ना, इसलिए वो सब मैं नहीं जानता। तुम लेट आए हो, अब बस तुम्हें ऑफिस छोड़ना होगा। ऐसा तो नहीं होता, आप ही की वजह से लेट हुआ था वैसे भी। वो सब मैं नहीं जानता, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है और मैं तुम्हारा बॉस हूँ अभी। अच्छा तो मैं भी बताता हूँ, मुझे डायरेक्टर सर ने रखा है और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि आप मुझे नहीं निकाल सकते। इन सब की फिक्र तुम मत करो, तुम बस ऑफिस से निकलो, ये तुम्हारा रेजिग्नेशन लेटर है, इसे साइन करके चली जाओ यहाँ से। डैड से मैं बात कर लूंगा, तुम्हारे डायरेक्टर सर मेरे डैड है, समझी? ओके पेपर पढ़ के मुझे अपना आंसर दो। आज रात गेट पर आ जाना।
कि नहीं मुझे काम है और भी। तो क्या है जवाब तुम्हारा, साइन कर रही हो या नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं इस ऑफिस से कहीं नहीं जा रही। सीखी आ जाना, मैं इंतजार करूंगा। क्या है सीखी तुम पे मर के मैं तो जी गया। खुदा जाने के मैं फिदा हूँ, खुदा जाने मैं। सुनो आ जाना वरना तुम्हारे घर आ जाऊंगा। जाने ये क्यों हुआ। मुझे तुम्हारे साथ लंच करना है, एक्चुअली मैं अकेले हूँ अभी। हाँ तो बता क्यों रही हो, करो। हाँ पर मेरे पास स्पून नहीं है, मुझे दो। हे मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। हाँ एक मिनट रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है, जल्दी बोलो, क्लास में जाना है, लंच खत्म ही होने वाला है। वो मैं कह रही थी कि तुम्हारी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मेरी प्रिपरेशन तो हो गई है, तुम बताओ। अब मैं क्या ही बताऊँ, तुम बोलो कितने परसेंटेज ला सकते हो? तैयारी तो 100% की है, पर 100% तो कैसे मिलता नहीं। फिर बचा 99%, मैं काट छाट के 98 तो दे ही देंगे। पर तुम्हें कह रही हूँ किडिंग विद मी, मैं तुम्हारे साथ मजाक क्यों करूँगा? अब तुम्हारी मर्जी, तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो। तुम थोड़ा मानोगे। वो मैं कह रही थी कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? नहीं मैं लड़कियों को अपना फ्रेंड नहीं बनाता। तो आयु कौन है तुम्हारी? गर्लफ्रेंड है, वो मेरी बचपन की दोस्त है, पर अब बहन है, फ्रेंड नहीं है। मुझे पता है तुम्हें क्या। सामने हेल्प कर सकते हो प्लीज? मेरे सामने ना सारा दिमाग मत चलाओ अपना, तुम अच्छे से समझ रहा हूँ मैं तुम्हें। अभी अपने फायदे के लिए आ रही हूँ, फिर उड़ जाओगी। तुम ना ये अपना छोटा सा दिमाग ज्यादा मत चलाओ। एक तो तुम्हें एक ब्यूटीफुल सी लड़की इतने प्यार से आकर खुद तुम्हें बॉडी हेल्प करने के लिए और तुम भाव खा रहे हो। लास्ट दिन भी तुम्हें ये सब सोच रहा है। अगर आज के दिन भी तुम पढ़ाई कर लोगे ना तो कल का पेपर अच्छा चला ही जाएगा, एटलीस्ट पास मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तुम जैसी लड़की का ना कुछ नहीं हो सकता। तुम ना ज्यादा स्टाइल मत मारो। एक तो तुम फालतू में मुझे इग्नोर किए जा रहे हो, ऊपर से भाव खा रहे हो। लास्ट टाइम तो हमारी कोई लड़ाई भी नहीं हुई थी, तो इतना भाव क्यों खा रहे हो तुम? मेरे लिए तुमसे ज्यादा मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, और तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे भाव खाना है या नहीं। खा लो जितना भाव खाना है तुम्हें, देख लेना पछताओगे तुम। अभी तक तुम्हें मेरे ईगो का अंदाजा नहीं है, पर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। एक बार पास हो जाने दो मुझे इस एग्जाम में, फिर तुम देखना। फिर टाइम वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। आगे तुम जमीन आप बैठो। कहाँ है अभी तक नहीं है? पता नहीं कहाँ गई है, कल से उसका एग्जाम है। उसकी तैयारी हो गई पूरी? मैं कल आ गई। गुड बाय, ताई तुम आ गए? ताई कहाँ गई थी तुम, इतनी रात हो गई? ताई आंटी कुछ पूछ रही है, ध्यान क्या है तुम्हारा? मॉम क्या मैं बहुत बोल रही हूँ? क्या मैं किसी की फ्रेंडशिप के भी लायक नहीं हूँ? तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? किसने बोला तुम्हें ऐसा? आपको पता है आज मैंने पहली बार लाइफ में सबसे हेल्प मांगी, पर सबने मना कर दिया। यहाँ तक कि यूनो ने भी, उसने कहा कि डायरेक्टर मैम को पता चलेगा तो वो उसे कॉलेज से निकाल देंगी।
देखो बेटा कहीं ना कहीं वो सही है, क्योंकि हर इंसान को अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में खुद ही सोचना पड़ता है। क्योंकि सच तो ये है कि आपके जरूरी समय पे आपके लिए कोई नहीं होता, हमें खुद ही खुद की हेल्प करनी होती है। पर मैं कैसे करूँ, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया। मुझे पता था बेटा तुम्हारे साथ यही होगा। डर आप तो कुछ बोले मत, सब आप ही की वजह से हुआ है। अब तुमने पढ़ाई नहीं की, इसमें मेरी क्या गलती? गलती ये नहीं है, गलती ये है कि आपने डायरेक्टर मैम से बात नहीं की। अब मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या होगा, मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुमने अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो मैं तुम्हारी शादी किसी भी गरीब से करा दूंगा। अब क्या करोगी तुम? डैड आप टेंशन मत लो, मुझे पता है मुझे क्या करना है। अच्छे मार्क्स का तो पता नहीं, पर पास जरूर हो जाऊंगी सारी चीट बनाने। क्यों, क्या कहा तुमने? ओके ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट सभी को। पिता वहां से अपने रूम में चली जाती है। सीट बना तो रही हूँ, पता नहीं कर पाऊंगी भी या नहीं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। ओके ठीक है, तो बैठा रहे यहाँ पर अपने भाई की बात मानकर। अब मैं उस पर ट्राई मारूंगा, आई होप कि तुझे हमारी जोड़ी अच्छी लगेगी। हाँ ठीक है कर ट्राई, मुझे क्या है, पर एग्जाम टाइम तक तो रुक जा, एग्जाम बाद करना जो करना है।